आज डिनी साज सर आप सभी का सीजी शिक्षा में स्वागत कर रहा है। जैसा कि आज इतने दिन तक तो नाम से परिचित ही हो गए होंगे, आज हम सरस्वती वंदना के माध्यम से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरस्वती वंदना, क्योंकि सरस्वती माँ की ज्ञान बुद्धि की देवी है। तो सरस्वती वंदना पहला कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। आज से हम लोग अब विद्या की जो दायिनी है इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, आरती करेंगे इसका और वंदना करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो सभी जहाँ पर वीडियो देख ले रहे हैं सभी लोग अपना हाथ को जोड़ लीजिए वहाँ पर और आँख को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे तरीके से याद रखना है मैथमेटिक्स को, फार्मूला को, तो फिर वंदना करना ही पड़ेगा। और मेरे साथ बोलते जाएंगे, सभी हाथ जोड़ करके एकदम नमन करते हुए जाएंगे। क्लियर? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा आद्यम जगत व्यापिनीम। क्लियर? इसके बाद बोलेंगे या कुंदेन्दुत सार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। क्लियर? उसके बाद बोलेंगे नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रिय प्रसिद्ध मम जीवाग्र सर्व विद्या प्रदा भव। आप लोग यहाँ भी शिशु मंदिर वाले कई लोग होंगे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी वाले भी होंगे बहुत लोग, है ना? कई लोग तो हे शारदे माँ वाले रहते हैं। क्लियर? फिलहाल हमको नहीं जाने हैं, एक मंत्र बोल रहा हूँ, एक मूल मंत्र है, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रिय प्रसिद्ध मम जीवाग्र सर्व विद्या प्रदा भव। ठीक है? तो इस मंत्र का उच्चारण आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो कीजिए, एक बार नहीं बारंबार कीजिए, 100 बार कीजिए, 2000 बार भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो आपके पास। क्लियर? इस तरीके से हम लोग करते हैं इस क्लास की शुरुआत। चलो चलिए करते हैं। हम तो हमारे पास जो क्वेश्चन है टेन स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा हमको प्रूव करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एसओ एल वी ई सॉल्व, हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं दिया है बोल के। अभी बाती तो आया ही नहीं है, जब दिवाली आएगा तभी दिया के साथ हम बाती लगाएंगे, बाती लगा करके हम दीपक जलाएंगे 1008। ठीक है? दीपक जलाएंगे। फिलहाल अभी दिया है कि देखिए दिए की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद दशहरा नवरात्रि आने वाला है, 9 दिन का उपवास रखने वाले हैं बहुत लोग उपवास रखेंगे, तो दिया के साथ बाती भी जरूरी है। बाकी अभी ये दिया है वो दिया वाला नहीं है, दीपक वाला दिया, ये आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रदत्त दिया है। ठीक है? तो हमारे पास दिया गया है टैन स्क्वेयर थीटा। क्या दिया गया है? टैन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस यहाँ पर दिया गया है टैन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वेयर थीटा। चलिए तो टैन स्क्वेयर थीटा हम चूंकि जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है भाई साइन थीटा के बटे कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसी को हम लोग 1/1 करके प्रूफ करते जाते हैं टेन स्क्वेयर थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा पूरे के बारे में हो जाएगा भाई 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा पूरे के बारे में हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय में हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बाय में कितना हो जाएगा भाई कॉस स्क्वेयर थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया था टेन स्क्वेयर थीटा बाय में दिया गया था 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या दिया गया था साइन स्क्वेयर थीटा, तो दिया है टेन स्क्वेयर थीटा के बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा पूरे के बाय में 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। चलिए तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा के बाय में हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा पूरे के बाय में मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा पूरे के बाय में हो जाएगा ये कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर? ये दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर में क्या बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा, और इसका तो वैल्यू आपका 1 होता है, चूंकि आप लोग सर्व समीकरण में जानते हैं भाई कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग सर्व समीकरण में जान चुके हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इट्स दैट प्रूव दैट, हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन यहां से प्रूफ तो होता है भाई, सभी लोग लिखेंगे। चलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिखेंगे, इट्स दैट प्रूव दैट। चलिए ये था हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के पास दिया गया था टेन स्क्वेयर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा पूरे के बाय में था कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा ऊपर चला गया कॉस स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो गया साइन स्क्वेयर थीटा बाय वाई आइडेंटिटी सौर समीका कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। ये था हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0।
प्रूव करते हैं, चलिए मेंशन करते हैं SOLVE.SOLVE। हमारे पास दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं LHS, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं वाम पक्ष, जिसको बोलते हैं बाएं पक्ष, क्लियर। अब देखते हैं cos A cos B पूरे के बाय में साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी पूरे के बाय में cos A माइनस cos B। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, साइन ए माइनस साइन बी cos A माइनस cos B cos A माइनस cos B, इसके साथ ये भाई साहब कट जाएगा, ये भाई साहब बचेगा cos A प्लस cos B मल्टीप्लाई cos A माइनस cos B, इसके साथ ये भाई साहब कट जाएगा sin A sin B sin A प्लस sin B ब्रेकेट sin A माइनस sin B, ये हो जाएगा, ये भाई साहब इसके साथ कट जाएगा, क्लियर। आगे स्टेप में देखते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपकी उम्र 0 से 5 वर्ष था, जब आप लोग क्या खाते, 0 से 5 वर्ष वाला चॉकलेट खाते थे, उसी के अंतराल में ये क्वेश्चन आप लोगों के बेस में आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, यह हो जाएगा a प्लस बी ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी है ये, ठीक है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, पहला हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास 1 होता है, तो यह 1 होता है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं भाई, यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू भी होता है भाई 1, ये जैसा का वैसा रहेगा भाई, साइन ए माइनस साइन बी cos A माइनस cos B इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय हो जाएगा sin A माइनस sin B cos A माइनस cos B 0 बाय किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो पूरे का वैल्यू आता है 0, तो ये हो जाएगा 0 RHS लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय sec थीटा प्लस दिया गया है tan थीटा, चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय sec थीटा हो जाएगी, हाँ माइनस हो जाएगा 1 बाय ये कितना हो जाएगा 1 बाय cos थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा के बाय हो जाएगा cos थीटा, आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा sec थीटा माइनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा के बाय हो जाएगा cos थीटा, क्लियर। तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस cos थीटा के बाय हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा, क्लियर। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा बाय में कितना है, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो हमको सीधा करना है 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा करना है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। आगे स्टेप में सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा प्लस sec थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं cos थीटा के बेस पे, इसको हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा के लिए 1 बाय cos थीटा हो जाएगा प्लस 1 बाय cos थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा माइनस हो जाएगा ये आपका cos थीटा, प्राइम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये कितना हो जाएगा इस बीच में हम लोग देखेंगे तो 1 बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा के बाय हो जाएगा 1, बाय हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा, बाय में कितना cos स्क्वायर थीटा, बाय में कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा ये आप लोगों का जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा आप लोगों का ये
कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का वन प्लस साइन थीटा वन बाय, तो यहाँ पर कितना बचेगा वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वन प्लस साइन थीटा, माइनस हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के बेस हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा इंटू वन बाय वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये कटेगा आपका, और यहाँ पर बचेगा आपका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, तो साइन थीटा के बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बटे हो जाएगा कुछ नहीं, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है इंटू साइन थीटा के बेस में रहेगा, ये आंसर के बेस में आप लोगों का इस चीज़ से आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका आगे क्वेश्चन को, क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, इतना हमको प्रूव करना है। तो चलिए इस चीज़ को भी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय में कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका हर का प्रमेयकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए तो सेक थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। चलिए इक्वल टू देखते हैं हम लोग, यहाँ पर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा, चूँकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा आप लोगों का राइट हैंड साइड। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इट्स दैट प्रूव दैट, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है, तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। वन बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इन टू में है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है हमको, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो वन बाय ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस वन बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इन टू है साइन स्क्वायर थीटा। आगे स्टेप में देखते हैं ये कितना हो जाएगा, वन बाय वन माइनस कॉस टू द पावर फोर थीटा बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वन बाय वन माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इन टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इन टू साइन स्क्वायर थीटा। आगे स्टेप में देखते हैं, आगे स्टेप में इस चीज़ को देखते हैं, ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा वन बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन टू साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ऊपर में हम लोग क्या आएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा वन नीचे में देखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है इन टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है इन टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वन हो जाएगा वन के बारे में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। दोनों कैल्सियम है ये जुड़ जाएगा तो दोनों को वैल्यू, और इसके साथ मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन, ये आएगा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो वहाँ पर लाना था वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा और टू प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, ये प्लस के बेस में रहेगा ठीक है, ये प्लस के बेस पे है और एक किसके बेस पे है माइनस के बेस, ये दोनों के बीच में प्लस के बेस में है, ये आप लोगों का माइनस के बेस पे है क्लियर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग इस बेस पे हम लोग देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे पहले हम लोग बेसिकली इसके पहले वाले क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो भी दिया गया क्वेश्चन है कॉसेक टू द पावर सिक्स थीटा माइनस कॉस टू द पावर सिक्स थीटा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक टू द पावर सिक्स थीटा माइनस कॉट टू द पावर सिक्स थीटा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक क्यूब थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट क्यूब थीटा टू द पावर होल स्क्वायर, मतलब ए का क्यूब माइनस पी का क्यूब के बेस पे हम लोग इसको ले सकते हैं ठीक है, मतलब ऐसा ले सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा टू द पावर क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी होता है तो यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बड़ा ब्रैकेट ए माइनस बी होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो वन हो जाता है और इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा ठीक है, इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, यह हो गया और ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर है तो ए का वैल्यू कितना है कॉसेक स्क्वेयर थीटा, ए का वैल्यू कॉसेक स्क्वेयर थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों का, इसका स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा और इसका वैल्यू वन और इसका भी वैल्यू वन हो जाएगा, तो वन इंटू वन यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लोग ऐड कर देते हैं माइनस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस ऑलरेडी यहाँ पर है कॉसेक स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, यहाँ फार्मूला में रखने के लिए इसको काटेंगे तो उतना ही आएगा, फार्मूला में रखने के लिए ये, अब ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर माइनस टू ए बी, इतना होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस टू कोसेक थीटा और टू कोसेक थीटा और कॉट थीटा है यहाँ पर क्लियर, और यहाँ पर है कोसेक स्क्वेयर थीटा है और यहाँ पर क्या है आप लोगों का कॉट स्क्वेयर थीटा ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कोसेक स्क्वेयर थीटा कॉट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, थ्री हो जाएगा कॉसेक स्क्वेयर थीटा इंटू कॉट स्क्वेयर थीटा, इसका वैल्यू होता है वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री कॉसेक स्क्वेयर थीटा इंटू, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड आगे देखते हैं इस चीज़ को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में वन माइनस कॉस ए बाय साइन ए, न्यूमिरेटर का प्रमेयकरण करते हैं वन माइनस कॉस ए बाय साइन ए इंट हो जाएगा वन प्लस कॉस ए बाय में हो जाएगा वन प्लस कॉस ए क्लियर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका वन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर ए हो जाएगा, बाय में हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए,
इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वेयर ए, बाय में हो जाएगा साइन ए वन प्लस कॉस ए, एक एक से कटेगा तो ऊपर में बचेगा साइन ए, बाय बचेगा वन प्लस कॉस ए। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। इट हैंस प्रूव्ड, इट हैंस प्रूव्ड। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। दिया गया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोसे के, बाय में दिया गया है कोसे के माइनस वन, कोसे के बाय कोसे के प्लस वन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोसे के प्लस वन प्लस कोसे के माइनस वन। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोसे के माइनस वन, ये हो जाएगा कोसे के प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कोसे के स्क्वायर ए प्लस कोसे के, प्लस हो जाएगा कोसे के स्क्वायर ए माइनस कोसे के, पूरे के बाय में हो जाएगा कोसे के स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए, बाय में हो जाता है कोसेक स्क्वायर ए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, सर्व समीका है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पर करते हैं कॉट स्क्वायर ए। आगे देखते हैं टू कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, वन बाय साइन स्क्वायर ए, और कॉट के में क्या होता है कॉस बाय ए, तो ये हो जाएगा साइन ए बाय हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा, ये तो कटेगा, ये हो जाएगा टू बाय वन बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टू सेक स्क्वायर ए। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। साइन अल्फा बराबर देखते हैं इस चीज़ को हम लोग, सेक अल्फा कोसेक अल्फा हमको ज्ञात करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, साइन अल्फा वन प्लस टेन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा साइन अल्फा, यह हो जाएगा वन प्लस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा। आगे हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय हो जाएगा कॉस अल्फा। चलिए प्लस हो जाएगा ये कॉस अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा। आगे का इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो यह हो जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा इन टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर, प्लस हो जाएगा ये कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यह हो जाएगा साइन अल्फा इन टू कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, पूरे के बाय में हो जाएगा कॉस अल्फा, वन हो जाएगा साइन अल्फा इन टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसका वैल्यू वन, पूरे के बाय में हो जाएगा कॉस अल्फा। चलिए तो कॉस अल्फा को निकाल देते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस वन प्लस वन हो जाएगा, बाय हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस वन, तो साइन अल्फा प्लस टू हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड आएगा साइन अल्फा प्लस टू के बेस पे, ये बनेगा आप लोगों का। ठीक है, साइन अल्फा प्लस टू के बेस में ये चीज़ आएगा, ये आपका नहीं आएगा, साइन अल्फा प्लस टू के बेस आएगा क्वेश्चन के लिए। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया हमारे पास 10a, 10a बाय 1 माइनस कॉट ए दिया गया है, प्लस कॉट ए बाय दिया गया 1 माइनस 10a, तो यह हो जाएगा साइन ए, साइन ए के बाय कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए के बाय साइन ए, प्लस कॉट ए कॉस ए के बाद साइन ए, पूरे बाय 1 माइनस साइन ए के बाद हो जाएगा कॉस ए। आगे इस चीज़ को देखते हैं, साइन ए, साइन ए के बाद क्या हो जाएगा कॉस ए, तो देखते हैं साइन ए के बाद कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए के बाद में साइन ए, प्लस हो जाएगा कॉस ए के बाद में साइन ए है, माइनस कॉस ए माइनस साइन ए के बारे में कॉस ए। आगे स्टेप में देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, साइन ए के बारे में कितना है कॉस ए, मल्टीप्लाई साइन ए के बारे में कितना है साइन ए माइनस कॉस ए, क्लियर, प्लस हाँ कॉस ए के बारे में है साइन ए इंटू कॉस ए के बारे में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यह हो जाएगा कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसको माइनस कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए, यह हो जाएगा साइन ए, यह बदल जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों से 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, पूरे के बाय में हो जाएगा साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए, इसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी होता है साइन ए कॉस ए, पूरे के बाय हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ये कटेगा। आगे आप लोगों को बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा, पूरे के बाय में बचेगा 1 बाय साइन ए कॉस ए, इसके बटे में हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ये कटेगा, तो 1 बाय साइन ए बचेगा, 1 बाय साइन ए का बचेगा आप लोगों का कॉस ए के, और 1 बाय कॉस ए बचेगा से के, 1 बाय साइन ए का कॉस ए के, और 1 बाय कॉस ए का से के, ए के बचेगा प्लस बचेगी ये कटेगा तो आपका 1 बचेगा, ये आप लोगों का से के है, ये रहेगा फिफ्थ नंबर। चलिए बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।